प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है टच आर्ट की जो मैथ है उसमें जहां तक बताए थे उसके आगे जो है बताने जा रहे हैं, और आप लोग जो है हमारी बातों पर ध्यान देंगे और इसको जो है समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो हम आगे बता रहे हैं इसमें समतुल्य समतुल्य परिमेय संख्याएं। देखिए, समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका सरलतम रूप समान होता है। उन्हें समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी समतुल्य का मतलब होता है सम माने बराबर, तुल्य माने उसी की बराबर, उसी के समान। तो इस परिभाषा में भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि वे संख्याएं हैं, माने परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका सरलतम रूप समान होता है। यानी उसको हम सरल करेंगे तो समान होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपका 2/4 है, तो 2/4 के समतुल्य परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो पहला जिसे आपको लिखना होगा, जैसे 2/4 है तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, तो 1 से नहीं पहले 2 से गुणा करना शुरू करते हैं इसके अंश और हर दोनों में। इसे 2/2 कर देंगे तो 4/8 हो गया, और फिर इसी तरह आगे दूसरी निकालना होगा समतुल्य, तो 2/4 में जो है हम 3/3 से गुणा कर देंगे तो 6/12 हो जाएगा। इसी तरह तीसरी अगर आपको समतुल्य निकालना है तो 4/4 से आप गुणा करेंगे तो 8/16 हो जाएगा, और इसी तरह फिर जो है चौथी निकालना है तो 2/4 में जो है आप 5/5 का गुणा कर दें तो 10/20 हो जाएगा। यानी जितनी ये संख्याएं आई हैं सब समतुल्य इसके, क्योंकि जब इसको आप छोटा करेंगे तो जैसे तो इसको काटने पर तो 2 × 4 = 8, 3 × 6 = 12, यानी फिर जो है 4 × 8, 4 × 16, फिर जो 5 × 10, 5 × 20, तो देख रहे सबका मान जो है 2/4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये समतुल्य है, बराबर किसी के बराबर ये संख्या है, तो इनको जो है हम समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे 3/4 है तो इसके अगर समतुल्य बनाना है तो इसमें आप 2/2 का गुणा कर दें तो 6/8 हो जाएगा। फिर दूसरी अगर आपको निकालना है तो 3/4 में 3/3 का गुणा कर लेंगे तो 9/2 जो है 12 हो जाएगा। तो ये अगर इसको काटेंगे तो फिर जो है 3/4, फिर ये 3/4, यानी इसके बराबर आ गया है। इसका मतलब 6/8 और 9/12 जो है 3/4 के समतुल्य जो है ये परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है योगात्मक प्रतिलोम। यानी योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको हम बता रहे हैं। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, या इसी को कहते हैं कहीं कहीं योज्य योज्य प्रतिलोम भी कहा जाता है। यानी योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम क्या है?
इसमें जो है जब दो पूर्णांकों का योग, यानी जब दो पूर्णांकों का योग शून्य के बराबर आ जाता है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक को एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे अगर एक कोई पूर्णांक ए है और दूसरा कोई मान लीजिए बी है, तो बता रहे हैं कि दोनों पूर्णांक, यानी ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, लेकिन इसका योग जो है शून्य आना चाहिए, यानी दो पूर्णांकों का योग शून्य आएगा, इसमें यही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बराबर जो है जीरो माइनस बी, यानी माइनस बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक पूर्णांक अगर ये धनात्मक है, मतलब ये जो है धनात्मक है, तो इसका मतलब दूसरा जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक होना चाहिए। एक धनात्मक और एक जो ऋणात्मक होगा तभी इसको जोड़ेंगे तो इसका योग जो है शून्य आएगा। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आपसे कोई कह देता है कि ए का जो है योगात्मक प्रतिलोम, क्या होगा? तो ए का जो योगात्मक प्रतिलोम जो है ये देख रहे हैं प्लस में है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो है माइनस ए हो जाएगा। और ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में फिर माइनस जोड़ेंगे तो फिर जीरो आएगा। जैसे ए प्लस माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा जीरो। इसका मतलब कि एक अगर धनात्मक है तो निश्चित है कि दूसरा उसका योगात्मक प्रतिलोम जो है वह माइनस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल और बता रहे हैं, जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि माइनस पांच का योगात्मक प्रतिलोम, तो पांच का माइनस पांच का योगात्मक माइनस ऋणात्मक है, इसका प्रतिलोम धनात्मक होगा, यानी पांच हो जाएगा। इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है माइनस 142, तो इसका अगर आपको निकालना है तो प्लस 142 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वो ऋणात्मक है तो उसका जो है धनात्मक होगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक योगात्मक होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर उसका योगफल शून्य होना चाहिए। अब इसके बाद है अगला गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको समझिए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि इसमें दो पूर्णांक जो होते हैं या दो संख्याएं जो होती हैं, इनका अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर इनका गुणनफल जो है एक के बराबर आना चाहिए। जब इनका गुणनफल एक के बराबर हो जाएगा तो ये जो है उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे अगर ए है तो ए का गुणात्मक जो होगा, ए का गुणात्मक एक बटे ए हो जाएगा, क्योंकि ए का गुणात्मक एक बटे ए होगा, इसलिए कि ए में अगर हम एक बटे ए का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। तो इसमें दो गुणांकों का हम इस प्रकार गुणा करते हैं कि इनका गुणनफल अगर एक के बराबर होता है तो ये दोनों गुणांक जो है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहे जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ए बटे बी है, तो ए बटे बी का गुणात्मक प्रतिलोम, ए बटे बी का गुणात्मक जो होगा वह बी बटे ए हो जाएगा,
जैसे आपको योगात्मक बताया था कि चिन्ह बदलता है, अगर ऋण है तो धन हो जाता है, लेकिन इसमें चिन्ह वही रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, इस ए बटे बी का बी बटे होगा, तभी इसका जो है इसका पूरा करेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया ए बटे बी में बी बटे ए का अगर आप पूरा कर देंगे तो इसका गुणनफल ए का रहेगा। इससे स्पष्ट हो गया कि ए बटे बी का गुणात्मक जो प्रतिलोम है वह बी बटे ए होगा। उसी तरह माइनस तीन बटे अगर 18 है तो इसका अगर गुणात्मक पूछा जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहां जो है माइनस तीन बटे 18 का जो है माइनस 18 बटे 3 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगा ही लेकिन उल्टा हो जाएगा, जैसे ये अंश है और ये हर है तो उल्टा हो जाएगा, अंश बटे हर है तो जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे तो हर बटे अंश हो जाएगा, यानी परमेश्वर का पी बटे क्यू है तो क्यू बटे पी हो जाएगी। तो इस तरह से इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया हो गुणात्मक का मतलब कि दो गुणांकों का हम इस प्रकार गुणा करें कि उनका गुणनफल एक के बराबर हो जाए तो प्रत्येक गुणांक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब आपको आगे हम बताएंगे कि परिमेय संख्याओं का को कैसे हम दशमलव में बदलते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव। परिमेय संख्या का दशमलव, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलो, तो आप पहले से भी जानते हैं कि जो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में तो होती है, जैसे आपको एक बटे दू दे दिया गया तो एक बटे दू जो है ये परिमेय संख्या है और इसको दशमलव में बदलना होगा तो ये अंश है और ये हर है, तो अंश में यानी एक में जो है हम दो की भाग ले देते हैं, तो भाग तो पहले जाएगी नहीं, दशमलव पर पढ़ाएंगे फिर जीरो लिख देते हैं, दो पांचे दस, यानी यहां जो है इसका जो है अगर आपको दशमलव रूप करना होगा दशमलव पांच आएगा। अब जैसे तीन बटे चार है इसको दशमलव में बदलना है तीन बटे चार को, तो सीधे जो है आप तीन में जो है चार की भाग देते तो ये दशमलव तो जीरो हो जाएगा, चार सत्ते 28 दो बचा फिर जीरो बढ़ा देंगे चार बचे 20, यानी ये दशमलव 7.5 हो जाएगा। उसी तरह एक बटे आठ का करेंगे तो दशमलव 1.25 हो जाएगा, यानी दशमलव में जब किसी भी संख्या को बदलना होगा तो उसके अंश में उसके हर से आप भाग दे दें और भाग देने के बाद जो मान आएगा वही उसका दशमलव रूप हो जाएगा। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने का आपको तरीका ही बता दिया गया। अब जो है परिमेय संख्याओं को सात दशमलव में लिखने के लिए, परिमेय संख्याओं को सात दशमलव में, सात दशमलव यानी जो परिमेय संख्याएं उनका सात दशमलव क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए कि एक बटे वो 20 है, ये परिमेय संख्या है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक बटे 20 जो परिमेय संख्या है वह शांत है कि शांत है कि अशांत है, तो शांत के लिए जरूरी है कि इसके पहले हम हर का यानी 20 का पहले गुणन खंड करेंगे, खंड करिए तो ये हो जाएगा दो दफा में 20, फिर दो से काटेंगे तो दो पांचे 10, फिर पांच से काट देंगे, इसका खंड किए 20 का तो दो उड़े पांच आ गया, यानी इसका मतलब दो की घात दो उड़े पांच घात एक आ गया। चलिए देख रहे हैं कि इसके गुणन खंड में हर के गुणन खंड में ये दो आ गया है और पांच आ गया है, तो जिस परिमेय संख्या के हर के गुणन खंड में अगर दो आता है या पांच आता है तो निश्चित है कि वे परिमेय संख्याएं शांत होंगी, वे परिमेय संख्याएं शांत होंगी,
इसका मतलब कि एक बटे दो में जो है आप करेंगे तो दो की घात दो गुणे पांच आ गया। इसका मतलब कि एक बटे बीस जो है वो शांत हो गया, शांत दशमलव, एक बटे बीस जो है शांत हो गया। मानी इसमें जरूरी है कि दो और पांच आना चाहिए, या दो भी खाली आ सकता है या तो खाली पांच भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि या दोनों एक साथ आ सकते हैं। मतलब उसका नियम यही है कि दोनों या तो दो और पांच एक साथ है, या फिर खाली दो आए या तो फिर खाली पांच आए, तो वो शांत दशमलव में उसको हम लिखेंगे। जैसे एक बटे पांच आ गया तो इसमें कोई पूछता है कि ये बताइए कि शांत है कि अशांत है, तो चूंकि इसके हर में जो है पांच है इसलिए ये शांत है। अगर कहीं लिख दिया गया एक बटे ग्यारह है तो यहां जब इसके ग्यारह के मतलब गुणनखंड करेंगे भाज्य गुणनखंड ग्यारह का, तो इसमें जो है इसका करेंगे तो एक गुणे ग्यारह ही आएगा। इसका मतलब कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में जो है दो पांच नहीं आ रहा है, अतः एक बटे ग्यारह जो है ये अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं कि हर हर का पहले आप गुणनखंड करेंगे, कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके पहले हर का गुणनखंड करिए, और हर के गुणनखंड में दो या पांच आता है, यानी दोनों साथ में आते हैं दो पांच, या फिर केवल अकेले दो आता है, या फिर केवल पांच ही आता है, तब उसको जो है हम साथ में लिख सकते हैं। तो हमारे समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि शांत का मतलब क्या होता है। तो इसको जो है आप लोगों को फिर एक बार दोहरा लेंगे, देख लेंगे, और इस पर जो है आपको प्रश्न जो है हम देंगे, और उसको जो है प्रश्नावली का प्रश्न है आप प्रश्नावली का दिया जाएगा, और उस प्रश्नावली को जो है फिर आप क्रम से लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।